हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं दही के शोले। ये बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। ये घर के बच्चों और बड़ों को बहुत ही पसंद आता है। ये रेसिपी मैंने खासकर अपने उन व्यूअर्स को ध्यान में रख के बनाई है जिन्हें चटपटा तो बहुत खाना पसंद है बट डीप फ्राई बिल्कुल पसंद नहीं। आज हम इसे बनाएंगे विदाउट अनियन एंड गार्लिक। इस वीडियो को अंत तक देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सब्जियों में हमने लिया है एक टमाटर, एक शिमला मिर्च, आधा गाजर, इन सबको हमने फाइनली चॉप कर लिया है और थोड़े से बॉइल्ड कॉर्न। आपके पसंद की सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलिंग तैयार करने के लिए लिया है हमने 5 चम्मच फ्रेश कर्ड। अब इसमें हम ऐड करेंगे सारे वेजिटेबल्स जो हमने कट कर लिया था। अब इसमें मैं ऐड करूंगी आधा चम्मच रेड चिली पाउडर, आधा चम्मच मिक्स्ड हर्ब्स ओरिगैनो एंड बेसिल के, और ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी फिलिंग तैयार है। हमने ब्रेड के चारों साइड्स को चाकू की हेल्प से कट कर लिया है। हम इसे रोलिंग पिन की हेल्प से थोड़ा प्रेस कर लेंगे कुछ इस तरह से। हमने जो ब्रेड के साइड्स को कट किया है उसका हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। उसकी भी रेसिपी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। अब हम ब्रेड के दोनों साइड पे थोड़ा पानी लगा देंगे कुछ इस तरह से। अब हम ऐड करेंगे फिलिंग और इसे अच्छे से रोल कर लेंगे कुछ इस तरह से। हमारा रोल तैयार है। आप चाहें तो इसके सारे साइड्स को क्लोज करके डीप फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे तवे पे पकाऊंगी। अब हम तवे को थोड़ा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अब हम रोल को तवे पे रख देंगे। अब इसके टॉप पे भी हम थोड़ा सा तेल अप्लाई करेंगे और इसे चारों साइड से अच्छे से सेक लेंगे। हमें इसे लो फ्लेम पे ही पकाना है। इसे हमने चारों साइड से सेक लिया है। आप देख सकते हैं कि एक अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर भी आ चुका है। अब इसे हम प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। इसी तरह हम बाकी दही के शोले को भी सेक लेंगे। आप दही के शोले को चटनी या सॉस के साथ खा सकते हैं। मैंने धनिया चटनी और पुदीने की चटनी की रेसिपी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। हमारी दही के शोले बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बने हैं। आप भी इसे जरूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस को कमेंट सेक्शन में शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।